मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी को टिकट मिलने के बाद खुशी में निकाले जा रहे जुलूस में उस वक्त सन्नाटा मच गया जब जुलूस में ताबड़तोड़ गोलियां चल गईं, जिसमें एक शख्स के लिए गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बीच फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साई खेड़ा लेधोरा हाट फोर लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। बताया जा रहा है भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, तभी पार्टी के दो समर्थक और आपस में विरोधी धर्मेंद्र और रुस्तम भी वहां पहुंच गए, जहां दोनों के बीच कहासुनी हुई और मारपीट शुरू हो गई और रुस्तम ने धर्मेंद्र के ऊपर गोली चला दी जिससे वह घायल हो गया। वहीं पुलिस ने रुस्तम को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा कार्यालय के पास गांधी मार्केट की तरफ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति है उनको गोली लगी है और रुस्तम नाम के व्यक्ति को अभी पकड़ा गया है जिसके पास से पिस्टल बरामद हुई है। अभी आगे का क्या इनका पुराना विवाद है और किस कारण ये सब हुआ है, ये थोड़ी जानकारी अभी एक बार लेके हम आपको आगे जो भी डिटेल है सब बताएं। कौन लोग हैं ये बताया जा रहा है और स्वागत के दौरान ये घटना? हाँ, शायद इनका जो टिकट को लेके अभी जो कुछ जुलूस चल रहा था उसमें ये दोनों पक्ष आए थे और इनका शायद पुराना कुछ विवाद है, लेकिन अभी जब तक हम दोनों पक्षों से एक बार बात नहीं कर लेंगे पूरी स्थिति क्लियर नहीं होगी। अभी एक को हमने रुस्तम को पकड़ा है, उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है टिकट मिलने के बाद महाराज बाड़ा क्षेत्र के गांधी मार्केट में यह जुलूस निकाला जा रहा था, जहां दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दिन दहाड़े फायरिंग शुरू हो गई। वहीं फायरिंग के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी से पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी क्रेन हाइड्रा पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध, प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट, तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पायरेंट ऐप पर आइए।